से और गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधित चर्चा के अंदर होम्योपैथिक में जो बच्चे, युवा, वृद्ध बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं या पेशाब बार बार आता है, टपक के साथ आता है, जलन के साथ आता है, इस तरह की परिस्थितियाँ बालपन से लेके बुढ़ापे तक होती है और जो जो कारण होते हैं तो डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट करते हैं। तो एक तो कोई आदमी की प्रकृति होती है कि वो अक्सर उसको बारिश में या ठंड में पेशाब अधिक आता है, लेकिन वो कोई बीमार नहीं। ये कुछ आदमियों की हैबिट होती है। जैसे किसी को गर्मी 40 डिग्री सहन हो जाती है, दूसरे आदमी को नहीं होती, वो कहेगा ये भी बहुत गर्म है। तो जैसी जिसकी जो प्रकृति होती है उस हिसाब से होम्योपैथिक के अंदर अनेक दवाइयाँ इस रोग के लिए हैं। इसे संस्कृत में मूत्र संक्रमण भी कहते हैं। अधिकतर पेशाब में कोई इन्फेक्शन छोटा मोटा वो होता है, उस वजह से ये बिस्तर में पेशाब की समस्या। इसके लिए अनेकों दवाइयां हैं लक्षण के हिसाब से। अब अनेकों दवाइयां होते हुए भी जो दवा मैं बता रहा हूँ इसका नाम है इक्विजेटम। इक्विजेटम मदर टिंचर और ये इसमें दोनों में आता है। तो इस दवा को तो पेशाब संबंधी जो मूत्र निकलना करना इस तरह होता है तो इसको तो उनमें मिला देना चाहिए, कॉम्बिनेशन हो तो, नहीं तो इसको अलग से लें। इसके 20-20 25-25 बूंद आधे कप पानी में दिन में सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक 5 बार, छोटा बच्चा हो 10-10 बूंद 10 से 15 दिन तक दें, समस्या ठीक हो जाती है। इक्विजेटम होम्योपैथिक जानकारों का कहना है कि इस औषधि का प्रयोग अनेक प्रकार के रोगों को ठीक करने के लिए किया जाता है। ये औषधि मूत्राशय पर विशेष रूप से क्रिया करके उससे संबंधित जो रोग होते हैं, पेशाब में कठिनाई, पेशाब आने में कठिनाई होना और इन सब रोगों में ये ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके रोगी के जो पेशाब के जो सिम्टम्स हैं कि पेशाब का अधिक आना, मूत्र नली में दर्द होना, पेशाब करने के बाद भी पेशाब लगा हुआ महसूस होना, पेशाब रोकने से मूत्र नली में तेज दर्द होना, पेशाब का बूंद बूंद कर टपकना, पेशाब करते समय मूत्र नली में जलन के साथ तेज दर्द होना तथा मूत्र नली में काटता हुआ दर्द होना, मूत्र संबंधी इस तरह के लक्षणों से ग्रस्त रोगी को ठीक करने के लिए रोगी को इक्विजेटम औषधि का प्रयोग कराना चाहिए। इसके अतिरिक्त जिन बच्चों को बिस्तर में पेशाब करने की आदत हो गई हो, बिस्तर पर पेशाब करते समय गहरी नींद में ही रहता है, तो बच्चों को ऐसी आदत को छुड़ाने के लिए बच्चों को इक्विजेटम औषधि दें। इससे बच्चों की बिस्तर पर पेशाब करने की आदत छूट जाती है। बुढ़ापे की अवस्था में पेशाब अपने आप निकल जाना तथा पेशाब होने का पता रोगी को न चलना, साथ ही
पेशाब के साथ शौच का भी आ जाना आदि रोगी के लक्षणों में एक विजेटम देना चाहिए। पेशाब में पीप का भाग, पेशाब में अन्य पदार्थ का आना, पेशाब आने पर पता न चलना आदि मूत्र रोगों के रोगियों पर इक्विजेटम ओसी का सेवन कराना चाहिए। इसके रोग रोगी के जल्दी आराम मिलता है। मूत्र का रंग गहरा तथा कम मात्रा में आने पर रोगी को इक्विजेटम का प्रयोग कराना चाहिए। दाएं गुर्दे में गहराई में उत्पन्न होने वाले दर्द को, जो धीरे धीरे पेट के निचले भाग तक फैल जाता है तथा दर्द के फैलने के कारण पेशाब करने की इच्छा होती है, गुर्दे रोग से संबंधित ऐसे लक्षणों में इक्विजेटम का प्रयोग होना चाहिए। इक्विजेटम औषधि का प्रयोग कमर के दाएं भाग में तेज दर्द होने पर करने से कमर दर्द आदि ठीक हो जाते हैं। स्त्री रोगों में गर्भकाल के समय, डिलीवरी के समय पेशाब का रुक जाना, पेशाब का बार बार आना, पेशाब में जलन आदि मूत्र होने पर इक्विजेटम का प्रयोग होना चाहिए। अधिक उम्र की स्त्रियां के मूत्राशय में सुन्नपन आने पर इक्विजेटम का प्रयोग करना चाहिए। इसके पेशेंट की रोग वृद्धि दाएं और लेटनेस हैं, चलने फिरने से, दर्द वाले स्थान पर दबाने से, स्पर्श करने से तथा नीचे बैठने से रोग वृद्धि होती है। आराम मिलता है दोपहर के बाद, आराम से लेटने से रोग में आराम मिलता है। और इसके आगे पीछे की दवाइयां मतलब तुलनीय है, इक्विजेटम की हाइड्रेंजिया है और फेरमपास है, लाइनेरिया चिमारी आदि दवाइयां हैं। इसको या तो पोटेंसी में दें 6-30 या 230 पोटेंसी में सबसे अच्छा काम करती है, 6 मिल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, या फिर जो मदर टिंचर बड़ों को 20 छोटों को 10। जल्दी आपको रिजल्ट अगर चाहिए तो इसका मदर टिंचर भी लो, अच्छे पोटेंसी साथ में लो। जैसे 4 बार मदर टिंचर लिया, चारों बार उसी के अंदर 6 पोटेंसी की 2 बूंद डाल लो, यानी कि मदर टिंचर प्लस डाइल्यूशन, आप ऐसा कर सकते हैं, इससे जल्दी लाभ होगा। ये मेरा खुद का अनुभव है, कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, सवाल न करें। और ये मुख्य औषधि इक्विजेटम हाईमेल, पूरा नाम इसका, तो इससे आप प्रयोग करें, लाभ मिलने पे डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें, जो आपकी इच्छा हो।